मैं एक बात बताना चाहूंगा बिकॉज वन एडवाइस इज द डम्बेस्ट फॉर्मेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन इफ यू आर ट्वेंटी यू नीड एटलीस्ट ट्वेल्व एडवाइस और पीसेज ऑफ एडवाइस यू नीड एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव पीसेज ऑफ एडवाइस मे बी हम अनफॉर्चुनेटली तुमने क्वेश्चन नहीं किया बट द वे ह्यूमन ब्रेन थिंग्स इज वन टेन ट्वेंटी थर्टी ऑर्डर में सो वन एडवाइस इज अ क्वेश्चन जो कि हमने सब कॉन्शियसली अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि हम देखते हैं दूसरों को एक दूसरे से पूछते हुए वन क्वेश्चन वन एडवाइस वन रूल वन 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 फॉर्मैट जो होता है ये वन फॉर्मेट पहले तो उसको एक कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दो वन क्वेश्चन फॉर्मेट को ठीक है जब आप इस क्वेश्चन को फेंक देते हो कूड़ेदान में तो पहली बार आप रेकग्नाइज करते हो कि वन एग्जिस्ट ही नहीं करता ऑफ एनी थिंग मल्टीपल एग्जिस्ट करता है सेकेंड चीज़ कोई भी चीज़ मल्टीट्यूड में एक जनरल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकती मेरे जान राहुल भाई या जो भी आपका नाम था मेरी बात सुनना मैं बहुत सही बात करने वाला हूँ अभी राहुल अगर कोई इंसान एक घर में पैदा हो रहा है जिसके आठ से पंद्रह हजार की इनकम है फैमिली की और एक इंसान पैदा हो रहा है जिसके आठ से दस करोड़ है सो एनी एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव टू अ ट्वेंटी ईयर ओल्ड में भी आठ हजार वाले के लिए उतनी पैलेटेबल ना हो लेकिन वो आठ करोड़ वाला कहे हो आओ ये करना चाहिए लाइफ को ऐसे देखना चाहिए मैं हमेशा बात करता हूं जिंदगी में मार्करस को स्टडी करो बहुत सारे मार्कर्स हैं और मार्कर्स चेंज होते रहते हैं इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल प्रखर द रीजन वाए हो वो भी देख रहे हो कॉन्फिडेंस इक्विपमेंट देख रहे हो रहे अमनवाल राजोनॉमिक बैकग्राउंड मेरी बात समन्ना इन सबको मैं पर्सनली जानता हूं बाय द वे सदीप माहेश्वरी एज फार एज द स्टोरी जो सेकंड पता है डिडेंट कम फ्रॉम हाई सोशल इकोनॉमिक्स इवन uh, अदर्स आप एक चीज देखोगे बात करने के तरीकों में आपको डिफरेंस दिखेगा तीनों के या चारों के संविधि महेश्वरी आज भी बात करते हैं सो हिंदी में उनकी जो भी है बात करने का लिहाजा या वो फ्लो में जाता है खूबसूरत है पोएटिक है लेकिन अभी उस इंसान को एक जॉर्डन पीटरसन के सामने रख दो एंड उस इंसान से कहो कि भाई आपको कॉन्वर्सेशन उसी टोनैलिटी में फ्लो में वो एक्सचेंज का रेट काइंड ऑफ मैच करना चाहिए मे बी उस इंसान को प्रॉब्लम हो आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट वन मार्कर इकोनॉमिक्स मैसिव गेम चेंजर मार्कर है ये। मैसिव लेवल पे रणवीर अलावादिया ऑल्सो कम्स फ्रॉम वेरी हाई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इन सब की बात कर रहा हूं मैं देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ रियालिटी जिनसे ये एक्सपोज हुए हुए हैं जिनसे आप या फिर जितने लोग भी उस सोशल बैकग्राउंड से नहीं आ रहे आपको आइडिया ही नहीं है रूबरू ही नहीं हुए आप सो so, आप इसलिए काफी सर्टन एग्जाम्पल्स को लेकर आप ये नहीं सोच सकते कि जनरल लेवल के किसी ना किसी तरह में एडवाइसिस या पीसेस ऑफ एडवाइस हैं जो कि हर जगह अप्लाई हो सकते हैं मैं दूसरा मार्कर बता सकता हूँ ये सोशल साइकोलॉजी में भी मार्कर्स आते हैं पाए जी मैं बात कर रहा हूँ ये सब मार्कर्स एक्चुअल में रिसर्चेज में होते हैं बहुत बड़ी बड़ी जब रिसर्चेस ग्रुप्स को स्टडी करती हैं ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करती हैं डिफरेंट रीजन की वजह से दूसरा मार्कर होता है फेमिनिन मार्कर यानी कि मेल एंड फीमेल्स क्यों क्योंकि आप सब अपने सिंपल पड़ोस में जाकर देख लो या अपनी कॉलोनी में यहाँ पे रहते हो मर्द और औरत को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है समाज में हिस्टोरिकली किया जा रहा है तो so, जब आप समाज को स्टडी करते हो इंसान को स्टडी करते हो तो यानी बीस साल के बच्चे को मुझे क्या एडवाइस देना चाहिए मानो ना मानो बहुत सारी एडवाइस बीस साल के लड़के अवेल कर पाएंगे लेकिन बहुत सारी जगहों पर बीस साल की लड़कियाँ वो एडवाइस अवेल ही नहीं कर पाएंगी सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ तुम टेंशन ना लेना आंसर दूंगा मैं तुम्हें कैसे सोचना है इसके बारे में आंसर दूंगा ये मेरा वादा है लेकिन मैं मैं सिर्फ क्वेश्चन के साथ नहीं ठहर सकता जब मुझे लिख रहा है कि क्वेश्चन फ्लॉट है मुझे तुम्हें सही क्वेश्चन तक भी लेके जाना है प्रताप तो गंगवार के लिए एट ट्वेंटी क्या करना चाहिए था उसको मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम तुम्हें मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट राज मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट संदीप मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट मनीषा पूजा निहारिका कोई भी नाम ले सकते हो आप अपने दिमाग में योर ड्यूटी इज मेरी रियालिटी के अकॉर्डिंगली कौन सी एडवाइस है इन द यूनिवर्स ऑफ फकिंग एडवाइस जहां पर अब एग्जिस्ट करता है यानी कि एडवाइस की कोई कमी है ही नहीं मुझे कौन सी एडवाइस लेनी है जो मेरी लाइफ बेटर करे मेरे गोल्स परस्पेक्टिव और नेक्स्ट स्टेप्स के हिसाब से अगर आप करोड़पति घर में पैदा हुए हैं मे बी मे बी को सोचने की जरूरत ही नहीं कि आपको किस कॉलेज में आना है वो करना है आपके घर में सारा फीस वीस सब दे दी जाएगी आप ऑलरेडी 400 ट्रिप मार चुके हो बाहर जाने की आपका एक्सपोजर एक अलग ही लेवल पे चल रहा है आपकी लाइफ के परस्पेक्टिव अलग हैं यू हैव टू गेट सीरियस एवरी सिंगल डे फॉर अबाउट थर्टी मिनट्स एंड थर्टी मिनट्स तुम डिसाइड करो तीस मिनट तुम डिसाइड करोगे कब होना है मैं नहीं बता सकता लेकिन तीस मिनट एक एक नोटबुक लेके बैठो जो कि तेरी जिंदगी की नोटबुक है ये मेरी जर्नलिंग की नोटबुक है ये मेरे ग्रेट आइडियाज़ की नोटबुक है ये मेरी यूट्यूब की नोटबुक है यूट्यूब की लर्निंग सारी आती है ये दो प्रॉब्लम सॉल्विंग की नोटबुक्स हैं ये है कोर्सेस कोर्सेस बुक्स डायग्रामेटिक पेपर्स जिनमें सारी चीज़ें मैं डायग्रामेटिकली यू नो एंड और भी बहुत सारी चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया सीरियस होना अपनी जिंदगी में ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक रूम में बैठे हैं एंड पंद्रह मिनट सोच लिया या अपने दोस्तों के साथ 40 मिनट बैठ के एक दिन बैठ गए चार पौवे मारे पहले दारू पी ली फिर दारू के बाद जब लो आया हाई से फिर जिंदगी के बारे में बात करी कि यार क्या करना चाहिए यार पैसा भी होना चाहिए और हम सबको पता है क्या लगता है ये जो कॉन्वर्सेशन हुई ना जिसमें कि हम काइंड ऑफ लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं दैट इज इनफ वी गेंड सो मच फ्रॉम दिस अमेजिंग दिसवर्सेशन आई हैड विद माई फ्रेंड्सेशन गाइज वा गाइज हो दो दिन तक हम सोचते हैं कि क्या बात थी यार क्या कॉन्वर्सेशन थी यार था अबाउट लाइफ यार उसने जो पैसे के बारे में बात करी मेड मी थिंक मुझे भी मे भी इन्वेस्ट कहीं और करना चाहिए मैंने क्या बोला था और मैं एक और बार, बार बोलता हूं भाड़ में मैंने क्या बोला था इंटेलिजेंस मैचोरिटी सेंसिबिलिटी इंटेलिजेंस मैचोरिटी सेंसिबिलिटी इसको ड्रम कर लो अपने दिमाग में इंटेलिजेंस मच्योरिटी सेंसिबिलिटी कभी भी जिंदगी में ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी कभी भी जिंदगी में ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी काम करना पड़ता है ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं डेली बीस मिनट एक जिंदगी की एक से शुरुआत करो पहले मैं मैंने बताना चाहता हूं आई एम ऑलरेडी डिजाइनिंग अ जर्नल ये जो मैंने जो पच्चीस चीजें दिखाई ना आई एम माई सेल्फ डिजाइनिंग वन जर्नल जिसको मैं इस तरह से अपने हिसाब से डिजाइन करूंगा जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हैबिट बिल्डिंग इंट्रोस्पेक्शन सब कुछ हो सकता है दैट विल बी प्रॉब्लम माई फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं बेचना चाहूंगा लोगों को क्योंकि मैं फालतू चीज नहीं बेच सकता कभी आई एम स्टिल उसको कंसेप्चलाइज कर रहा हूं अपने दिमाग में बिकॉज आई डू सो मैनी अदर थिंग्स बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स वर्क इट्स वर्क तुम लोगों को काम करना सीखना पड़ेगा अगर चाहते हो मेरी जिंदगी की थोड़ी सेल्फिशली सोचो यहाँ पे मेरे को बड़ा हो मेरे को फायदा हो मेरी लाइफ में मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंटिबल बढ़िया डिसीजन मार पाऊं सो थर्टी मिनट्स मे भी बैठो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त रोज तीस मिनट सोचना स्टार्ट करो प्रॉब्लम्स क्या हैं मेरी लाइफ में मैं आज आज से लेके तीस दिन तक पुराने थ्री सिर्फ थ्री मेजर प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली क्या चल रही थी या कंटिन्यूअली पहले पेज पे मैं सिर्फ वो तीन प्रॉब्लम लिखूंगा बिकॉज क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जर्नलिंग में अगर आपने बैठ के खचड़ा खैचड़ा खचड़ा खिचड़ी लिख दी ना अगर मैं इसमें खिचड़ी नहीं लिख मैं दूसरे दिन कभी खोल के पढ़ नहीं पाऊंगा मुझे ऐसे लिखना है कि मेरे को ये डेटा तीस दिन का अपने खुद के बिहेवियर के बारे में भी देखना है ना तभी तो इंप्रूव कर सकता हूं आपको तीन क्वेश्चंस लिखो बस व्हाट आर द थ्री फकिंग थिंग्स जिसके साथ तुम स्टडी स्ट्रगल uh, कर रहे हो राहुल व्हेन यू हैव थ्री थिंग्स जिनके साथ तुम स्टडी कर रहे हो मे बी सीक एडवाइस ऑन दोस दोस्ट एडवाइस आई वुड गिव टू ऑल फकिंग ट्वेंटी रोल्स